हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु की रसोई। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। दरअसल आप सभी जानते हैं, अभी रक्षाबंधन का फेस्टिवल आ रहा है और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, और लगातार एक ही रिक्वेस्ट चैनल पर आ रही थी कि मैम फेस्टिवल से रिलेटेड कोई गिफ्ट हैम्पर बनाना सिखाइए, जो हम दे सकें किसी को और उसकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी हो, बजट में बन जाए, प्रॉफिट अच्छा अर्न हो जाए। और कुछ होम बेकर्स भी कह रहे थे कि मैम कुछ अलग सा कुछ बनाना सिखाइए जो इस बार हम अपने कस्टमर को सजेस्ट कर सके, अपने स्टेटस वगैरह पर लगाएं तो हमारा प्रॉफिट हो, हमें ऑर्डर आने लगे। तो आज सभी की रिक्वेस्ट को पूरा करते हुए मैं आपको 6 डिफरेंट फ्लेवर की होममेड डिजाइनर चॉकलेट्स बनाना सिखाऊंगी, और इन चॉकलेट्स को कैसे बनाना है, कौन सी चॉकलेट यूज करनी है वो भी बताऊंगी, जो एकदम बजट पे होगी, टेस्टी होगी, प्लस आप इन्हें डिजाइनर कैसे बना सकते हैं। घबराइए नहीं, इसके लिए आपको कोई भी महंगा सिलिकॉन का मोल्ड या कुछ भी नहीं चाहिए। एक इजी सी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप डिजाइनर चॉकलेट्स बना सकते हैं। तो अब वो जमाना गया फ्रेंड जिसमें हम सिंपल चॉकलेट्स किसी को दे देते, अब डिजाइनिंग का जमाना है जिसमें चॉकलेट्स भी अब डिजाइनर आने लगी हैं, अलग अलग फ्लेवर्स के आने लगी हैं। तो आज रेड वेलवेट, पान, टूटी फ्रूटी, कॉफी, आलमंड और ये सारे अलग अलग फ्लेवर्स में आपको बहुत ही अमेजिंग तरीके से बनाना सिखाऊंगी। साथ में उनकी कैसे पैकिंग करनी है, कैसे प्राइसिंग करनी है वो भी बताऊंगी, और इन चॉकलेट्स को मिला करके आप कैसे किसी को गिफ्ट हैम्पर के तौर पर दे सकते हैं वो भी बनाना सिखाऊंगी। और आज फ्रेंड्स स्पेशल सा वीडियो शेयर कर रही थी तो सोचा इसको स्पेशल बनाने के लिए कुछ तैयारी शेयरी भी कर लेती हूँ। तो मैंने कुछ ना कपड़े मंगवाए हैं और ये सब मैंने मंगवाए हैं देसी यू की तरफ से। अगर आप इंस्टाग्राम चेक करेंगे तो उनकी आईडी में आपको मिल जाएंगे। बहुत ही अमेजिंग से कपड़े हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं, गोल्डन कलर का इसमें प्रिंट है जो मुझे बहुत सुंदर लग रहा है और इतना कंफर्टेबल है। मैंने और भी कपड़े मंगाए हैं जो नेक्स्ट वीडियोज में आपके साथ शेयर करूंगी, और बहुत ही बजट में है, बहुत ही कंफर्टेबल है। वैसे मैंने क्या क्या मंगवाया वो सब देखने के लिए आप मेरा जो दूसरा चैनल है तारा मधु डायरीज, उस पर जरूर विजिट कीजिएगा। वहां पर आपको इसकी सारी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। इस तरीके के अगर आप भी कपड़े परचेज करना चाहते हैं, स्पेशली होम बेकर, क्योंकि हम लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि हम मार्केट में जाकर के टाइम लगा करके कपड़े खरीदें, तो मैं तो ऑनलाइन ही परचेजिंग करती हूँ। तो अगर आप ये सूट भी खरीदना चाहते हैं तो इसका ऑनलाइन परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, साथ में एक नंबर भी दिया है जिन पर कॉल करके आप बजट में इस ड्रेस को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की बहुत ही अमेजिंग सी वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आजकल की डिजाइनर चॉकलेट्स को बनाने के लिए मैं स्पेशल चॉकलेट यूज कर रही हूँ, जो की है वैन लेयर की व्हाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट। दरअसल ये कंपाउंड है बट इनका टेस्ट चॉकलेट के जैसा ही है। तो आप अगर ये चॉकलेट्स मंगाना चाहते हैं तो फ्लेवर्स हम शॉप से मंगवा सकते हैं, ये मैंने वहीं से मंगाई है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके की पैकिंग में आती है, मैंने आपको दिखा दिया ताकि ये बिल्कुल मेल्ट ना हो, और अभी हम इन्हीं को यूज करके बनाएंगे। तो आज तो मैं व्हाइट और डार्क चॉकलेट को यूज करके बनाऊंगी, बट आप मिल्क चॉकलेट से भी डिफरेंट टाइप्स की चॉकलेट बना सकते हैं। तो जब आप ओपन करेंगे ना तो ये 3 स्लैब्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक स्लैब ले लिया है, मैं इससे 2 फ्लेवर की अलग अलग चॉकलेट बनाने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले किसी बड़े बाउल में इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। मैं आपको सजेशन दे रही हूँ कि अगर आपके पास ग्लास का बाउल है ना तो बहुत अच्छी बात है, उसमें चॉकलेट अच्छे मेल्ट होती है, बट अगर स्टील का बर्तन भी है तो भी आप कर सकते हैं, बट उसको सभी को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिएगा। और आज ना कोई माइक्रोवेव का इस्तेमाल मैं नहीं करने वाली हूँ। मैंने क्या किया, एक बड़े बर्तन में पानी गर्म किया है, एकदम तेज उबाल लिया है और उसके ऊपर इस कांच के बाउल को रख दिया है। मैंने ऐसे बाउल रखा है कि पानी जो है वो बाउल से टच नहीं हो रहा है, और बाउल हमेशा इतना बड़ा लीजिए कि नीचे वाले बर्तन को अच्छे से कवर कर दे ताकि स्टीम बाहर ना निकले। आपको हमेशा चॉकलेट ऐसे ही मेल्ट करनी है, बस स्पैचुला से इसी तरीके से कट एंड फोल्ड करते जाइए। थोड़ी देर लगेगी लेकिन चॉकलेट आराम से मेल्ट हो जाएगी। ध्यान रखिए व्हाइट चॉकलेट जो होती है, चाहे किसी की भी ब्रांड की हो, बहुत डेलिकेट होती है, बहुत जल्दी जल जाती है, और मैं तो हमेशा सजेस्ट करूंगी कि इसे गर्म पानी यानी कि डबल बॉयलर की प्रोसेस से ही मेल्ट करें, माइक्रोवेव में कभी कभी रिजल्ट अच्छे नहीं आते। यहाँ पर चॉकलेट जब अच्छे से मेल्ट हो जाए तो मैंने क्या किया है, उसको एक छोटे बाउल में निकाला है और इसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ टूटी फ्रूटी फ्लेवर। जो भी आपको कलरफुल डिजाइनर चॉकलेट्स बनानी है ना, वो आप व्हाइट चॉकलेट के साथ ही कर सकते हैं, क्योंकि डार्क चॉकलेट का खुद का ही इतना फ्लेवर स्ट्रांग होता है कि आप उसमें कोई और फ्लेवर डालेंगे ना तो होगा नहीं। तो फ्लेवर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और यहाँ पर ना ये प्लास्टिक का सिंपल सा मैंने मोल्ड लिया है जो आपको 40 से 50 रुपए में कहीं भी मिल जाएगा। वैसे मैंने तो फ्लेवर हम शॉप से मंगवाया है। और यहाँ पर ना इस बाउल में मेरे पास ना गोल्डन पेंट है, एडिबल वाला, लश्कर डस्ट में जो ऑयल डालकर बनाते हैं, उसको मैं क्या कर रही हूँ, एक मोल्ड में ना ऐसे ही थोड़े थोड़े स्पॉट्स उसके लगा रही हूँ। साथ में आप चाहें तो कुछ येलो रेड कलर के भी लगा लीजिएगा, जैसे कि टूटी फ्रूटी में कलर होते हैं। जस्ट अपनी चॉकलेट को दोनों ही साइड से मैं अट्रैक्टिव बनाना चाह रही हूँ, डिजाइनर बनाना चाह रही हूँ, तो इसलिए चॉकलेट की कैविटीज में मैंने ये कलर लगा दिए हैं। अब जो मेल्टेड चॉकलेट थी वो इसके अंदर हम पोर कर देंगे। तो ये जो मोल्ड का साइज है ना फ्रेंड्स, इसमें लगभग 4 से 5 टेबल स्पून आपकी मेल्टेड चॉकलेट जाएगी, ये इतने बड़े साइज का है। और फिर चॉकलेट को डालने के बाद हल्का सा आप टैप कर दीजिएगा, एक्स्ट्रा चॉकलेट जो निकली हो बाहर उसे हटा दीजिएगा, या कहीं कम रह गई है तो वहां डाल दीजिएगा। और इसी समय पर अब मैं इसके ऊपर ना थोड़ी सी कलरफुल
टूटी फ्रूटी स्प्रिंकल कर दूंगी ताकि वो मेल्टेड चॉकलेट में सेट हो जाए और इसी के अंदर फिक्स हो जाए। तो ऐसे आप कोई भी अलग अलग फ्लेवर की चॉकलेट बना सकते हैं। अभी तो ये सिंपल बना रही हूँ, अभी आगे वीडियो में मैं आपको डिजाइनर चॉकलेट भी बनाना सिखाऊंगी। तो थोड़ी थोड़ी टूटी फ्रूटी मैंने डाल दी है, चलिए अब दूसरे फ्लेवर की चॉकलेट बनाते हैं। तो अब जो चॉकलेट बची है ना उसमें मैं डाल रही हूँ पान फ्लेवर, और ये पान फ्लेवर है तो थोड़ा ग्रीन कलर भी डाल देते हैं। तो एक ड्रॉप मैंने ग्रीन कलर का डाला है, अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये कलर है ना शेफ मास्टर के फ्रेंड्स, हल्की गर्म में चॉकलेट में आपको ये डालना है, एकदम ठंडा करके नहीं डालना है नहीं तो ये कर्डल हो जाएगी। और ज्यादा नहीं डालना है, सिर्फ एक से दो ड्रॉप डालना है। अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब दूसरे मोल में मैंने थोड़ी सी ना सौंफ स्प्रिंकल कर दी, आप चाहे तो गुलकंद वगैरह भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था। और अब इसके ऊपर हम वो ग्रीन वाली मेल्टेड चॉकलेट डाल देंगे, इसको भी टैप करेंगे, बढ़िया से मोल्ड के अंदर स्प्रेड कर देंगे। और इस तरीके से आपकी ये पान फ्लेवर की बहुत ही टेस्टी रिफ्रेशिंग सी चॉकलेट रेडी हो जाएगी। तो मार्केट में जाएंगे भी ना फ्रेंड्स तो ये सारे फ्लेवर्स की चॉकलेट आपको मिलेगी नहीं, और अगर मिल भी गई ना तो बहुत महंगे दामों में मिलेगी। आप इसे घर में आराम से ट्राई कर सकते हैं। थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पर सिल्वर स्प्रिंकल भी डाल दिए हैं जैसे पान वगैरह में होते हैं। और यहाँ पर हमारी दो चॉकलेट्स रेडी हो गई। अब मेरे पास ना थोड़ी सी पान फ्लेवर की चॉकलेट बच रही थी, और यहाँ पर मेरे पास एक फ्लावर वाली शेप का सिलिकन का मोल्ड था तो मैं उसमें डाल देती हूँ। बट अगर आपके पास ये ना हो तो आप पाइपिंग बैग में डाल करके ना गोल गोल जैसे 1 रुपए का कॉइन होता है ना उतना चॉकलेट को भी कहीं स्प्रेड कर देंगे और उस पर कुछ स्प्रिंकल डाल देंगे तो वो भी आपकी चॉकलेट रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसे भी अच्छे से टैप कर दिया, मैंने कम्प्लीटली भरा नहीं है क्योंकि मुझे छोटे छोटे पतले फ्लावर ही चाहिए। तो दोनों ही चीजों को मैंने फ्रिज में रखा है सेट होने के लिए, ध्यान रखिए फ्रिज में रखा है, फ्रीजर में नहीं रखना है। अब यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स डार्क चॉकलेट कंपाउंड की भी एक स्लैब ले ली है, उसको भी पानी के बाउल के ऊपर इस तरीके से रखा है। और मैंने ना पानी दोबारा बॉईल किया था क्योंकि पहले वाला जो पानी था वो बर्तन में ठंडा हो गया था। तो आप पानी को दोबारा गर्म कर सकते हैं, और फिर से देखिए बाउल रखा है और आराम से आपकी चॉकलेट मेल्ट हो गई। और आज मैं फ्रेंड्स 100% श्योर हूँ जो मैंने आपके साथ टिप शेयर की है ना चॉकलेट को मेल्ट करने वाली, कि बड़े बर्तन में लीजिए, पानी का स्टीम का बाउल नीचे छोटा लीजिए, उससे किसी को भी दिक्कत आने वाली है, सभी की चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। किसी भी ब्रांड की आप चॉकलेट यूज कर सकते हैं, बट मेरे कहने से वेल ईयर एक बार टेस्ट करके देखिएगा। और यहाँ पर जो चॉकलेट के मोल्ड हमने फ्रिज में रखे थे ना केवल 5 मिनट में ये सेट हो जाती है, और धीरे से आप इन्हें डीमोल्ड कर लीजिएगा, हल्का सा नीचे से प्रेशर देंगे ना तो ये चॉकलेट खुद से ही बाहर आ जाएगी। ये देखिए इतनी बढ़िया फ्लेवर वाली चॉकलेट हमारी रेडी हुई है, और ये पतले पतले जो छोटे छोटे मैंने फ्लावर्स बनाए थे ना वो भी रेडी हो गए हैं। मैंने इन्हें जानबूझ के ऊपर तक नहीं भरा था क्योंकि मैं इनसे डिजाइनर चॉकलेट्स बनाने वाली हूँ, ये देखिए। और ये एक्स्ट्रा जितनी भी चॉकलेट निकल रही है ना फ्रेंड्स उसे आप दोबारा अपने बाउल में कलेक्ट करके मेल्ट करके दोबारा यूज में ले सकते हैं, तो कुछ भी वेस्टेज आप ना कीजिएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो डार्क चॉकलेट हमने मेल्ट की थी ना वो अच्छे से ठंडी हो गई है, मतलब हमें थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर उसे लाना होगा फिर उससे काम करना होगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसी चॉकलेट से बना रही हूँ आलमंड फ्लेवर चॉकलेट। चॉकलेट के साथ आलमंड का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है, और जैसे मैंने बताया डार्क चॉकलेट में उतना हम डिजाइंस और फ्लेवर्स नहीं डाल पाते, बट मैं आपको 3 डिजाइंस आप बनाना सिखाऊंगी, ज्यादा फ्लेवर्स हम अपनी व्हाइट चॉकलेट में डाल पाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मोल्ड को ना अच्छे से क्लीन कर लिया है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप क्लीन नहीं करेंगे तो जो पहली वाली चॉकलेट के रेसिड्यू कुछ पार्ट्स बचे होंगे ना वो आपकी इस चॉकलेट पे चिपक जाएंगे और आपकी चॉकलेट की लुक खराब कर देगी, तो उसे वॉश करके पोंछ लीजिएगा। अब दूसरे बाउल में फ्रेंड्स मैंने डाला है ओरियो का फ्लेवर। जी हाँ, आजकल ओरियो का भी फ्लेवर आने लगा है फ्रेंड्स, तो आप इसको जरूर ट्राई करके देखना, आलमंड को, ओरियो को, और अभी थर्ड में मैं कॉफी फ्लेवर डालने वाली हूँ। और इसको भी डाल करके हमने अच्छे से टैप कर लिया है, और बची हुई चॉकलेट में मैं लास्ट में डाल रही हूँ कॉफी फ्लेवर। यहाँ ना मेरी चॉकलेट कम पड़ रही थी तो मैंने थोड़ी चॉकलेट और मेल्ट करके इसमें ऐड की है। एक स्लैब से 2 चॉकलेट आपके आराम से बन जाएंगे, और लगभग 1 और थोड़ा सा और लेने से 3 स्लैब्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर ये भी सारी चॉकलेट मैंने डाल दी है, अच्छे से टैप कर दिया है। तो तीनों चॉकलेट्स अच्छे से हमने डाल दिए, इसके ऊपर हम कुछ भी अभी डेकोरेशन नहीं करेंगे, मैंने फ्रिज में रख दिया उसे सेट होने को। और जो थोड़ी सी बची हुई है ये चॉकलेट उसको भी हम फ्लावर वाले मोल्ड में डाल करके ना 1-2 फ्लावर्स बना लेते हैं। और मेरे इस मोल्ड में रोज का और भी अलग अलग फ्लावर के मोल्ड हैं, ध्यान रखिएगा थोड़ा ही डालना है क्योंकि ये हम अपनी चॉकलेट्स पर स्टिक करने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। अब फ्रेंड्स आपने ध्यान दिया हो तो मैंने अपने पिछले कुछ वीडियो में शेयर किया था कि मैंने सिलिकन का मोल्ड मंगवाया है फॉर फोंडेंट डेकोरेशन, बट आप इससे चॉकलेट्स भी बना सकते हैं। जी हाँ, देखिए एक ही मोल्ड है, आप 2-3 जगह यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, जो मेल्टेड चॉकलेट है ना उसको जस्ट इसकी कैविटी में सेट कर रही हूँ, जैसे हम नॉर्मली फोंडेंट को सेट करते हैं, और एक्स्ट्रा को रिमूव कर रही हूँ। और इस मोल्ड को भी 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखूंगी, और तब देखिएगा आप इसका कमाल। तो ये मोल्ड, ये जितने भी मैं आज दिखा रही हूँ चॉकलेट्स, ये सारी चीजें आप फ्लेवर हम शॉप से मंगा सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर है, तुरंत कॉल कीजिए और अपना सामान मंगा लीजिए, जैसा भी आपको चाहिए, जितनी क्वांटिटी में चाहिए, बजट में। कभी कभी फ्रेंड्स वो रेस्पॉन्स नहीं दे पाती क्योंकि एक अमेजन की तरह शॉप नहीं है, एक मैनुअल शॉप है जिसपे इंसान काम करते हैं, तो कभी कभी फेस्टिवल पर रश होने की वजह से वो आंसर नहीं कर पाती। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, और अपना सामान मंगवाना है तो टाइमली उन्हें ऑर्डर दे दीजिएगा। ये देखिए फ्लावर वाली कितनी बढ़िया चॉकलेट हमारी रेडी हुई है, और ये मोल्ड वाली भी हमने
डीमोल्ड कर ली है, मात्र 5 मिनट आपको फ्रिज में रखना है गर्मियों में, विंटर्स में तो बस रूम टेम्परेचर पर छोड़ेंगे तभी ये निकल आएगी। ये देखिए चॉकलेट्स तो बन गई है फ्रेंड्स, फ्लावर्स भी बन गए हैं, और ये देखिए मोल्ड में डाले थे ना जो, वो भी निकल गए हैं। ये वाला भी मैंने मोल्ड वहीं से मंगाया, और इतने प्यारे रोजेस बने हैं, मैं पास से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए गजब की लुक आई है। और अब आते हैं हम इस मोल्ड पर, ये थोड़ा सा डेलिकेट काम होता है, बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है। ये देखिए क्या चॉकलेट है, कोई सोच भी नहीं सकता कि इसे हमने चॉकलेट से मोल्ड से बनाया है। और दूसरे वाले को निकालने में फ्रेंड्स मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी, शायद चॉकलेट अच्छे से स्प्रेड नहीं होती तो उसकी टिप टूट गई है, बट मैं उसे काम चला लूंगी। चलिए अब इन चॉकलेट्स को डिजाइनर में चेंज करते हैं। ऐसे तो ये सिंपल चॉकलेट हो गई, आप ऐसे भी खा सकते हैं, बट अभी फेस्टिव सीजन है, थोड़ा डिजाइनिंग तो करनी बनती है ना। तो यहाँ पर ना मैंने फिर से थोड़ी सी चॉकलेट को मेल्ट किया है, पाइपिंग बैग में भरा है, और चॉकलेट के बैक साइड में जहाँ पर ब्लॉक्स नहीं दिखते हैं वहां पर मैंने ये टेढ़ी टेढ़ी लाइंस बना दी हैं। अभी ये आलमंड फ्लेवर की थी ना, तो कुछ आलमंड मैंने कट किए हैं इस तरीके से डेकोरेशन करने के लिए, और कुछ मेरे पास क्रिसमस वाले स्प्रिंकल थे तो येलो वाला स्प्रिंकल स्टार वाला मैंने सेंटर में प्लेस कर दिया, और सेम ऐसे ही नीचे की तरफ भी प्लेस कर देंगे। तो आपको अपनी चॉकलेट के अंदर कैसी डिजाइनिंग करनी है वो टोटली आपकी चॉइस है, आपकी क्रिएटिविटी है। मेरे पास जो आइडियाज थे वो मैंने 6 आइडियाज आपके साथ आज शेयर किए हैं, आप इनसे भी और अच्छी बढ़िया बनाइएगा जरूर। बीच में मैंने थोड़ी सी फ्लावर वाली चॉकलेट पर ना मेल्टेड चॉकलेट लगाकर उसे स्टिक कर दिया है। ये हमारी एक चॉकलेट रेडी हो गई। चलिए अब डेकोरेट करते हैं ओरियो फ्लेवर वाली चॉकलेट को। तो उसके लिए भाई ओरियो बिस्किट का होना बहुत जरूरी है, आप चाहें तो छोटे छोटे पीसेस भी लगा सकते हैं, बट मैंने एक ओरियो का बिस्किट लिया, क्रीम रिमूव कर दी और उसके बैक साइड में मेल्टेड चॉकलेट लगाई, और अब इसको इस तरीके से हम स्टिक कर देंगे। आप सोच रहे होंगे कि जब हमने चॉकलेट मेल्ट की थी तब भी तो हम ओरियो लगा सकते थे, बट अगर आप वैसे लगाएंगे ना तो ये जो ओरियो है आपके वो थोड़े से सॉगी हो जाएंगे, तो ऐसे ही लगाइएगा। अब जो दूसरी है ना फ्रेंड्स हमारी कॉफी फ्लेवर वाली, उसको कॉफी वाली डिजाइनर लुक देंगे। तो यहाँ पर जो मैंने मोल्ड से चॉकलेट बनाई थी ना डिजाइनर वाली, वो मैंने लगा दिए, एक टूट गया था बट उसे भी मैं स्टिक करके काम चला लूंगी। और जो फ्लावर्स बनाए थे ना सभी को बस मेल्टेड चॉकलेट आपको उनकी बैक साइड में लगानी है, और जहां पर भी आपको लगे अच्छा सुंदर डिजाइनिंग वहां आप इन्हें स्टिक कर दीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए कॉफी फ्लेवर वाली चॉकलेट को मैं डेकोरेट कर रही हूँ, और अभी ये डेकोरेट नहीं हुई है फ्रेंड्स, इसमें अभी एक स्टेप और बाकी है, तो आप वीडियो को स्किप मत करना प्लीज, फाइनल लुक जब देखेंगे ना तभी चौंक पाएंगे आप। और यहाँ पर जैसे ही मैंने सेंटर में ये लाइंस बनाई ना, तुरंत मैं यहाँ पर गोल्डन स्प्रिंकल डाल रही हूँ, क्योंकि ये मेल्टेड चॉकलेट में ही स्टिक होंगे, बाद में नहीं हो पाएंगे। और अब ना ओरियो वाली चॉकलेट में ना मैं थोड़े से हार्ट शेप के स्प्रिंकल्स लगाऊंगी, तो जिस सीक्वेंस में मैं काम कर रही हूँ ना फ्रेंड्स आपको भी वैसे ही करना है, ये नहीं कि पहले आलमंड वाली बना रहे हैं तो उसमें सारी डिजाइनिंग करने लगे, ऐसे करेंगे तो आपका टाइम बचेगा, सामान बचेगा और काम भी बहुत ही परफेक्ट होगा। यहाँ पर मेरे पास ना ये रेड कलर के स्प्रिंकल्स थे, तो ऊपर और नीचे मैंने बस मेल्टेड चॉकलेट लगाई है और उसकी मदद से स्टिक कर दिए। तो देखिए कलर कॉम्बिनेशन से ही क्या अलग सी लुक आ गई। तो आप अलग डिजाइन में या कोई और अपनी इमेजिनेशन यूज करके इस डिजाइन को और भी ज्यादा सुंदर बना सकते हैं। भाई जो मुझे समझ में आया मैंने वो बना दिया, उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लग रहा होगा। ये हमारी दूसरी चॉकलेट भी रेडी हो गई, और तीसरी वाली में मैं अब पान फ्लेवर वाली चॉकलेट को डेकोरेट करने जा रही हूँ। तो जो ग्रीन फ्लावर हमने बनाए थे ना उनके पीछे भी मैंने चॉकलेट लगा दिया है, और इसीलिए मैं फ्लावर पतले पतले बता रही थी, क्योंकि ज्यादा मोटा कर देंगे ना तो फिर पैकिंग में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर ये तीन फ्लावर को एक सीक्वेंस से मैं लगा देती हूँ, ये देखिए इस तरीके से लग रही है ना वो हमारी कमाल की एकदम अलग सी चॉकलेट। और यहाँ पर टूटी फ्रूटी के लिए मैंने सोचा कि इसको कैसे मैं अलग सी डिजाइनर बनाऊं, तो मेरे पास ना ये डिस्को वाले फ्लेक्स थे, सिल्वर भी हैं, गोल्डन भी हैं, कॉपर के हैं, तो सिल्वर वाले मैं यहाँ स्टिक कर देती हूँ, जैसे मिठाइयों में लगा होता है ना बिल्कुल वैसे ही। भाई फेस्टिव सीजन है तो थोड़ी तो चमक दमक होनी चाहिए हमारी चीजों पर भी, तो बीच में थोड़ा थोड़ा कलर के स्प्रिंकल्स लगा दिए हैं, वैसे ये ऑप्शनल है, ना भी लगाए तो चलेगा। और इस तरीके से हमारी ये नेक्स्ट चॉकलेट भी रेडी हो गई। अभी फ्रेंड्स मैं आपको एक अलग से फ्लेवर की रेड वेलवेट चॉकलेट भी बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि मैंने जो चॉकलेट मेल्ट की थी उनसे बाकी काम हो गए थे, तो एक ही चॉकलेट बनानी थी, तो मैंने लगभग 50 से 60 ग्राम चॉकलेट ली है एक बाउल में, और नीचे एक ऐसे ही कप लिया है क्योंकि उसमें मैंने एकदम बॉइल्ड पानी लिया है, और बाउल मेरा छोटा था तो स्टीम बाहर ना निकले, इसलिए नीचे वाले बर्तन को आपको हमेशा छोटा लेना है, और बस इस तरीके से मिक्स करते रहिए, आपकी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। अब ये रेड वेलवेट फ्लेवर वाली चॉकलेट है फ्रेंड्स, तो इसमें रेड वेलवेट का फ्लेवर भी जाएगा, साथ में थोड़ा रेड कलर भी डालेंगे जैसा कि रेड वेलवेट केक में होता है, और उससे पहले चॉकलेट को कम्प्लीटली मेल्ट करना है। तो ये चॉकलेट हो गई है मेल्ट, अब इसमें ये रेड वेलवेट का फ्लेवर डाल रही हूँ। तो आज जितने भी फ्लेवर मैंने यूज किए ना, ओरियो, टूटी फ्रूटी, रेड वेलवेट, पान, ये सब मैंने फ्लेवर सम शॉप से मंगवाए हैं, और भी अलग अलग फ्लेवर्स उनके पास हैं, तो आप जो भी चाहे मंगा सकते हैं, बहुत ही छोटी सी बॉटल है, बहुत महंगी भी नहीं है, तो आप मंगवा सकते हैं। तो चॉकलेट हो गई है हमारी मेल्ट, और इसको ना मैं थोड़ा सा एक अलग बाउल में डालूंगी डिजाइनिंग करने के लिए, और बाकी की चॉकलेट में मैं रेड कलर डाल दूंगी लगभग 2 ड्रॉप, अच्छे से मिक्स कर देंगे। व्हाइट चॉकलेट में रेड कलर कितना भी डालें फ्रेंड्स शेड लाइट ही आता है, और हमें लाइट ही चाहिए क्योंकि एकदम डीप रेड तो चॉकलेट खाने में अच्छी भी नहीं लगेगी। तो ये हमने शेड इसका रेडी कर लिया है, और फिर से मैंने अपने मोल्ड को ना क्लीन कर लिया है, क्योंकि जैसा मैंने बताया
अगर आपने कोई चॉकलेट बनाई है तो उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके रेजिड्यू दूसरे नई चॉकलेट में चिपक करके ना आपकी चॉकलेट पूरी खराब कर देंगे। तो अच्छे से इसको मैंने डाल दिया है, टैप कर दिया है और अब इसे फ्रिज में रखा था मैंने 5 मिनट के लिए, सो दैट ये सेट हो जाए और अब इसे भी डीमोल्ड कर लेंगे। तो इस पर भी आप अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से कोई भी नई डिजाइनिंग कर सकते हैं, बट मैं आपको एक सिंपल सी लिप्पन आर्ट वाली डिजाइनिंग करना सिखाऊंगी। तो जो चॉकलेट हमने निकाली थी ना उसको मैं एक पाइपिंग बैग में डाल रही हूँ और ये पाइपिंग बैग मैंने घर में ही बनाया है क्योंकि नॉर्मल पाइपिंग बैग तो इतने बड़े होते हैं, तो इसमें मैंने बनाया है सारी चॉकलेट को और अब ना इस पर हम करेंगे डिजाइनिंग। देखिए जैसा मुझे आता है मैं वो बना रही हूँ, हालांकि बहुत सारे लोग कमेंट में कर देंगे कि मैम ये क्या डिजाइन बनाया है, आप ये बना सकते थे वो बना सकते थे, क्योंकि अक्सर आते हैं कमेंट। बट देखिए यहाँ मैं अपनी चॉकलेट बना रही हूँ, आपके पास आपका साधन है, आप जैसे चाहें बना सकते हैं, बस मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया से डिजाइन मिल जाए। और आप में से कुछ लोग शायद होम बेकर से, वो बोलते हैं मैम प्राइसिंग बताया कीजिए। तो देखिए प्राइसिंग हर जगह की अलग होती है, हम बता तो देते हैं लेकिन उससे बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, आप इतने में देती हैं, हमारे यहाँ इतने का होता है, आप तो सस्ता देती हैं, आप तो महंगा देती हैं। तो देखिए एक आइडिया मैं आपको दे दूंगी, बट आपको अपने एरिया के हिसाब से ही केक देने होंगे अगर आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए पाइपिंग बैग से जो मेरे हाथ में आया डिजाइन मैंने बना दिया है, सेंटर में ना मैं हार्ट बना रही हूँ, बट आप ना चॉकलेट के अल्फाबेट्स भी चॉकलेट के ऊपर स्टिक कर सकते हैं, हैप्पी रक्षाबंधन या भाई और बहन का नाम लिख सकते हैं, मतलब मैं आपको आइडियाज बता रही हूँ आप ऐसा कर सकते हैं। और ये हार्ट के ऊपर ना थोड़े से स्प्रिंकल लगा देती हूँ पिंक और व्हाइट कलर के, तो ये बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव हो जाएगी। वैसे अगर आप नाम वाली चॉकलेट बनाना बोलेंगे तो वो भी मैं आपको बनाना सिखा दूंगी, कमेंट कीजिएगा, लगभग 100 कमेंट अगर आएंगे तो ही बनाऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। चलिए सारी चॉकलेट की मेन मेन कलाकारी तो हमने कर ली है, अब थोड़ी सी कलाकारी और करेंगे। तो ये जो हमने आलमंड वाली चॉकलेट पे फ्लावर लगाया था ना सेंटर में, उस पर थोड़ा सा गोल्डन पेंट लगाएंगे। अब आप चाहें तो गोल्डन पेंट लगा लें, मतलब गोल्डन लशर डस्ट में ऑयल डालकर लगा लें, या फिर लशर डस्ट को ही ब्रश से इसके ऊपर लगा दें, बट इस तरीके से ना बहुत ही प्यारा सा एक एंटीक लुक का डिजाइन आ रहा था। ये देखिए जो लाइन हमने बनाए थे ना उस पर भी मैंने इसको थोड़ा सा ब्रशिंग कर दिया है और बहुत ही कमाल की लुक हमारी चॉकलेट पर आ गई। आप देख सकते हैं मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, अदरवाइज आप ही बोल देंगे बहुत बोलती है। देखिए क्या लुक है हमारी चॉकलेट की और कितनी आसानी से हमने बनाई। अब ओरियो के बिस्किट के ऊपर भी थोड़ा सा लशर डस्ट को हम ब्रश से कर देंगे, तो ये भी एक बहुत ही अलग सी फ्लेवर की चॉकलेट रेडी हो जाएगी। मार्केट में अगर आप लेने जाएंगे ना ओरियो की चॉकलेट, वो बहुत कॉस्टली मिलेगी और इसे आप खाएंगे तो मतलब इसी में खो जाएंगे, इतना अच्छा फ्लेवर और इतनी अच्छी खुशबू इसमें से अभी आ रही है। ये हमारी नेक्स्ट जो है वो ओरियो फ्लेवर वाली चॉकलेट भी रेडी हो गई, ये देखिए। और अब हम बनाएंगे अपनी थर्ड चॉकलेट जो कि थी हमारी कॉफी फ्लेवर वाली। तो कॉफी फ्लेवर वाली में ना मैं गोल्डन नहीं बल्कि मेटालिक कॉपर की जो लस्टर डस्ट आती है ना, स्प्रे आता है पंप वाला, वो यूज कर रही हूँ। और देखिए जो हमने डिजाइन बनाया था ना फोंडेंट के मोल्ड में, उससे क्या लुक आ रही है, मतलब पता नहीं कैमरे से इतनी आपको अच्छी लग रही है, सामने से इतनी अच्छी लग रही है कि आप किसी को देंगे तो वो खाएगा ही नहीं, इतनी गजब की कमाल की लुक लग रही है। और अभी मेरा बेटा मेरे रूम में आया था, बोला मम्मा ये क्या बना रहे हो आप, मैंने कहा चॉकलेट है, तो बोलता है इसे खा सकते हैं, मैंने बोला हाँ खा सकते हो, आपने ऐसे क्यों पूछा, तो बोली नहीं ऐसा डिजाइन तो वो तो सजावट में यूज होता है ना, वहाँ ही देखा है। तो मतलब उसी के आइडिया से मैं बता रही हूँ कि ये बिल्कुल डेकोरेटिव पीस लग रहा है और ये एडिबल है, तो है ना कमाल की चीज। आप इस तरीके की चॉकलेट्स बनाकर अपने केक पर भी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो आइडियाज मैंने आज खूब सारे आपको दे दिए हैं, आपके ऊपर है आप इन्हें कैसे लेते हैं। ये देखिए क्या गजब की लुक आई है इस चॉकलेट की, तो मेरी तो फेवरेट है ये वाली। और जो रेड वेलवेट वाली बनाई थी उस पर तो फ्रेंड्स हम क्या ही कर सकते हैं, मेरे पास पिंक कलर की लस्टर डस्ट है तो वो मैं ब्रशिंग थोड़ी कर देती हूँ ताकि इस पर शाइन आ जाए, अदरवाइज ऐसे भी देंगे ना तो भी बहुत सुंदर लग रही है। और ये जितनी भी चीजें आज मैंने यूज की हैं वो सब एडिबल हैं, आप इन्हें आराम से खा सकते हैं। तो लीजिए ये लास्ट वाली चॉकलेट भी हमारी रेडी हो गई है। तो आज मैंने आपको 6 डिफरेंट फ्लेवर की, ओरियो की, आलमंड, कॉफी, टूटी फ्रूटी, रेड वेलवेट, पान फ्लेवर, इनकी चॉकलेट्स बनाना सिखाया है। आप अपनी पसंद के कोई भी फ्लेवर बना करके मेरी डिजाइनिंग से कुछ आइडियाज लेकर के जरूर चॉकलेट्स को बनाइएगा। आजकल काफी ट्रेंडिंग में है और बहुत सारी क्लासेस में ये काम सिखाया जाता है महंगे महंगे दामों में, तो आप मेरे इस आइडिया से कोई भी चॉकलेट बना सकते हैं, वो लोग यही सिखा रहे हैं। तो जरूर मेरी आज की रेसिपी को, मेरे डिजाइन को ट्राई करके देखना, आपको बहुत ही अमेजिंग लगेगा ये तरीका और इससे काफी ज्यादा प्रॉफिट भी होगा। अभी पैकिंग प्राइसिंग भी बताऊंगी, बट एक बार इतनी मेहनत की है तो पास से इनकी एक एक लुक आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। और फ्रेंड्स इन्हें आपको बना करके रूम टेम्परेचर पर ही रखना है, अगर आपके यहाँ बहुत गर्मी है तभी आप फ्रिज में रखिएगा। और यहाँ पर ना ये देखिए इनको पैक करने के लिए मोल्ड आते हैं मार्केट में इस तरीके के, और ये सब मैंने फ्लेवर सम शॉप से मंगाया है, ये देखिए। और राखी स्पेशल है तो भाई हमारे बॉक्सेस पे राखी का भी कुछ होना चाहिए, ये डिजाइनिंग सारी उनकी बहुत ही स्पेशल कस्टमाइज की हुई है। ये देखिए किसी में विंडो भी है, हैप्पी रक्षाबंधन भाई, और ये देखिए थोड़े क्यूट क्यूट बॉक्सेस हैं, तो ये सब चॉकलेट के साइजेस के हैं, तो आप इन्हें मंगवा सकते हैं फेस्टिवल के हिसाब से। चलिए अब इनको पैक करने का तरीका आपको बताती हूँ। आप अगर उन्हें बोलेंगे तो वो आपको इस तरीके का प्लास्टिक बैग भी देंगी जिसमें आप चॉकलेट को रख सकते हैं। इसका फायदा ये है कि इससे बाहर से भी आप अपनी चॉकलेट को देख सकते हैं।
तो आपको इस तरीके से प्लेस करना है। इसमें फ्लैप होगा, जितनी भी आपकी चॉकलेट है उसको कवर करके आप उसे स्टिक कर दीजिएगा और इस बॉक्स में डाल करके ये हो जाएगी रेडी फॉर डिलीवर या किसी को गिफ्ट करने के लिए, जैसा भी आप चाहें। और फ्रेंड्स, हर एक चॉकलेट का जो वेट है वो 90 ग्राम्स का है। मैं वेट करना भूल गई जब मैंने ये बनाई थी, मतलब जो चीज़ें हम लगा रहे हैं ना उनके वेट के हिसाब से, कोई 90 ग्राम है, कोई 100 ग्राम भी है, कोई 60 ग्राम भी है। तो आप इस तरीके से वेट के हिसाब से भी चॉकलेट बना सकते हैं या फिर प्राइसिंग के हिसाब से भी। तो देखिए, कोई भी आपको सिंगल चॉकलेट का ऑर्डर तो नहीं देगा, तो इस तरीके के 6 फ्लेवर अगर आप बना रहे हैं किसी के, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ, तो पर चॉकलेट के आप 60-70 रुपीज ले सकते हैं, डिपेंड करता है फ्लेवर के ऊपर। तो ये 6 चॉकलेट आप आराम से 360 या ज्यादा से ज्यादा 400 रुपए में सेल कर सकते हैं। अब बारी आती है हैम्पर बनाने की। तो इस तरीके की ना आजकल खूब सारे ये बास्केट वगैरह डिजाइनर मार्केट में मिलती हैं, तो आप इस तरीके से अगर सारी ही चॉकलेट किसी ने मांगे, किसी को हैम्पर चाहिए, तो आप सारी चॉकलेट्स को रख करके साथ में राखी का बॉक्स रख करके इस तरीके से दे सकते हैं, डेकोरेशन के लिए कुछ फ्लावर्स डाल सकते हैं और ये आपकी बास्केट का हैम्पर हो जाएगा रेडी। कोई अगर छोटा मोटा गिफ्ट है तो वो भी रख सकते हैं, कोई क्यूट सा स्टिकर रखना है फनी वाला तो वो भी रख सकते हैं और आपकी इस तरीके से बास्केट रेडी हो जाएगी। ऐसे बड़े बॉक्सेस भी आते हैं, जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं और इस तरीके से आपका हैम्पर हो जाएगा रेडी। तो इन सारी चीज़ों में ना फ्रेंड्स, चीज़ें बहुत कम लगती हैं, हमें अलग अलग चीज़ें परचेज करके इन्हें असेंबल करके देना होता है, बट इससे प्रॉफिट काफ़ी सारा होता है। तो अगर आप मान लीजिए सारी चॉकलेट के साथ राखी रख करके हैम्पर देंगे ना, तो आपका 800-900 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। और चीज़ें क्या लगी वो आपने देखी। और अगर आपने कोई और महंगी कॉस्टली चीज़ें यूज़ करी हैं तो आप बजट उस हिसाब से फिक्स कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज के इस वीडियो से फ्रेंड्स आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे और आप भी इस तरीके से डिजाइनर चॉकलेट्स बना करके खूब सारा प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय, टेक केयर।